तो फ्रेंड्स, आज है गणपति बप्पा के पिछले का पिछला दिन, मतलब 2 दिन पहले पूरी तैयारी चल रही है। मैं इस बार एकदम 1 दिन पहले ही सारी तैयारी नहीं कर रही हूँ, मैं 2 दिन पहले कर रही हूँ, ताकि मैं एक दिन पहले थोड़ा रेस्ट कर सकूँ। तो चलिए आज का दिन एंजॉय करते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं सर? वड़ा पाव खाने? हम वड़ा पाव खाने नहीं जा रहे। फ्रेंड्स रुकिए, पहले तो इन भाई साहब से मिलिए। ये अभी आए हैं दोपहर के 2:30 बजे, 2:30 बजे। सुबह से हम काम पे लगे हुए हैं, सुबह से हमारे बहुत सारे काम हो चुके हैं। एक्चुअली मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी नहीं दिखाया आपको मैंने क्या क्या किया है। पेंटिंग वगैरह की है, थोड़ी सी ऑयल पेंट वगैरह किया, और अब हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि गणपति बप्पा की तैयारी के बहुत सारी चीज़ें लानी है, बहुत सारी लाइटिंग वगैरह सब खरीदना है। अब इसलिए आपसे मार्केट में मिलते, चलिए। सबसे पहले खाने का, बाद में काम करने का। तो हम फ्रेंड्स, अब मैं आई हूँ साड़ियों के दुकान, तो मुझे एक साड़ी सिलेक्ट करनी है अपने लिए। मुझे 2 साड़ियाँ चाहिए थी, तो एक साड़ी मेरी ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, अभी दूसरी करनी है। मैं राज का वेट कर रही हूँ, राज मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए थे, तो साड़ी ले ले फिर मैं आता हूँ। बट सेकेंड साड़ी में मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई हूँ, तो उनके आने के बाद वो भी सिलेक्ट करेंगे, और फिर मैं आपको घर जाके सारी साड़ियाँ भी दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं घर पर अभी सीधे। और ये कुछ मोदक है जो मैंने अपने पापा के लिए बनाए थे, तो मुझे ऑर्डर्स आए थे मोदक के कि हमें भी ऐसे मोदक चाहिए, तो फिर मैंने ऑर्डर्स के भी मोदक रेडी कर दिए। अभी आगे डेकोरेशन का काम स्टार्ट करेंगे। तो पिछले साल की तरह इस साल भी बाबू हमारी बहुत मदद कर रहा है। आज बाबू ने ये पूरा जो हमें असेंबल करने के लिए जो बैकग्राउंड चाहिए वो पूरा रेडी करके दिया। तो जब तक वो रेडी कर रहा था, मैं यहाँ पे अपना लाइटिंग का काम मैंने स्टार्ट कर दिया। जो मेरा पेड़ रेडी है, आपने जैसे कि देखा ही नहीं कि मैंने एक्चुअली क्या इस बार थीम रखा है, तो जल्दी ही आपको पता चलेगा। अगर तो फ्रेंड्स, अभी इतना तो आप देख ही गए, मतलब अभी मैं और नहीं छुपा सकती आप लोगों से, बट पूरा जो है वो हम कल ही आपको दिखाएंगे। कल मतलब आप इसी व्लॉग में देखेंगे, कि मैंने 2 दिन का व्लॉग एक ही दिन में रख दिया है। मतलब अभी मार्केटिंग वो सब ख़त्म करके हम बहुत थक गए, और अभी अब बज रहे रात के जस्ट 1 o'clock। लेकिन ये काम आज ही ख़त्म करना रहा, क्योंकि कल हमें पूरा असेंबल करना है, पूरा रखना है, और लाइटिंग का अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। एक्चुअली अभी तो ये सिर्फ 50% हुआ है, अभी 50% काम बाकी है। तो अभी तो हम बहुत थक चुके हैं, अभी हम सोने वाले हैं, कल देखेंगे बाकी का। आपको और एक बार सामने से दिखा देती हूँ। मस्त ला, एक्चुअली वीडियो में इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, एक्चुअली वो जितना खूबसूरत दिख रहा है। नज़दीक से देखेंगे, लाइट लगा के दिखाएंगे क्या, तो सही दिखेगा। वेरी गुड, नाइस चिको, वेट, पर्पल, हाँ लाइट पर्पल है तो पिंक, ओके, वेरी गुड, नाइस चिको, क्लैप्स फॉर चिकी, वाह वेरी गुड। ಏನ್ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ತಡಿ, ಒರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಹೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಜಾನು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಲ್ ಇಟ್ಕೋ, ನಾ ಹಿಡಿತೇನೆ ತಡಿ. जगह खाली, चलो बैठ जाओ, जगह खाली हो गई है, सरी
ए हीरोइन चलो उठो तो फाइनली फ्रेंड्स मेरा पूरा डेकोरेशन जो है वो रेडी हो चुका है। तो मैं अपना डेकोरेशन रिवील कर रही हूँ, इसका वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी कि किस तरह से मैंने ये डेकोरेशन पूरा रेडी किया है। इसका वीडियो मुझे अभी एडिट करना बाकी है फ्रेंड्स। फिलहाल तो आप इस डेकोरेशन के देख लीजिए और अभी हम आपसे कल मिलेंगे हमारे बप्पा के साथ। अभी हम बेसब्री से हमारे बप्पा का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही कल बप्पा जी आएंगे आपको हमारे बप्पा जी से पहले मैं मिला दूंगी, फिर वो हमारा वीडियो भी आप देख लीजिएगा पूरा। गणपति बप्पा का फर्स्ट दिन, सेकंड दिन, थर्ड दिन मैं सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आपको ये हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति।